हेलो वन वाणी मित्र विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों KGF चैप्टर 2, 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन पिक्चर रिलीज हो गए और हमारे साथ में हमारे मुंबई के टू इडियट्स। धन्यवाद। आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। 100 माझा लक्की नंबर, 100 माझा लक्की नंबर, मतलब जय सैंडलवुड। बात करेंगे क्या है ना, बात करेंगे फिर जब आएंगे ना, तो जैसे अभी हम लोग ने शमशेरा का किया, जस्ट हम लोग ने अभी बताया कि यार इलॉजिकल स्टंट्स थे तो लोगों ने RRR के डाल दिए। अब मैं बोलूँ, देखो साउथ के बारे में अगर बोलूँगा ना, तो साउथ वाले फिर मतलब बोलते हैं ना कि आपने ऐसा हमारे लिए क्यों बोला, और बॉलीवुड के लिए कुछ बोलते हैं ना तो वो तो 24 तास चालू ही रहता है उनका। KGF में भी ऐसे बहुत सीन है, बहुत लोगों ने बोला यार बहुत कट शर्ट किया, मतलब साला एक्शन ही समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं बोलूँगा पिक्चर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार देख चुका हूँ मैं KGF चैप्टर 2। पसंद इसलिए आई, एक्शन है करके नहीं, पसंद इसलिए आई उसमें जो रुबाब है, जो एक्सेंट है ना यश भाई का, जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, हीरो का एटीट्यूड, यस, जो होना चाहिए भाई, सेल्फ मेड स्टार है वो, जो उसको होना चाहिए वो परफेक्ट उसने बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा। और 100 दिन उसको होने ही थे कम्प्लीट अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले आई थी पुष्पा, अब आई KGF 2। RRR ने भी किया था, यस। अभी जैसे देखो पहले जो भी है टॉलीवुड, जो भी है साउथ का साइड का, वो लोग सब लोग ने पूरा किया। अभी कन्नड़ इंडस्ट्री ने भी 100 कम्प्लीट किया। अभी इच्छा रिक्वेस्ट, जो भी मान लो, इच्छाधारी जैसा अभी कुछ भी बोल लो, इच्छाधारी बोल रहे हो, यस, अपना बॉलीवुड भी इच्छाधारी है भाई। मैं बोलता हूँ क्यों मालूम है, पता नहीं इनका कब खून खोलेगा, पर जिस दिन खोलेगा ना उस दिन सब देखेंगे। और मैं देखना चाहता हूँ यार बॉलीवुड की भी कोई पिक्चर आ जाए, माँ कसम 100 दिन कम्प्लीट कर ले यार। 9 तारीख है, कह रहे हमारे थर्ड इडियट, यस यस, बोलिए बोलिए। 100 दिन तो हो गए KGF के, यस सर, 9 तारीख पे भी आएंगे, लेकिन पहले KGF पे बात करिए, क्या कहोगे 100 दिन रॉकी भाई, रॉकिंग स्टार। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपने इंडियन के जो लोग है वो बोलते ना हॉलीवुड, तुम लोग के लिए हॉलीवुड, हम लोग के लिए सैंडलवुड, जय सैंडलवुड। मैं तो बोलूँगा सैंडलवुड ने आज ऐसा कमाल किया ना कि पब्लिक और ऑडियंस और पूरा देश चौंक गया, क्योंकि KGF एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एक एक्सपेक्टेशन, एक बोलते ना एक ऐसा दम था कि भाई ये पिक्चर में कुछ ना कुछ तो कमाल रहेगा। सुपर बम्पर ओपनिंग लिया था 50 करोड़ का, पहली बार कोविड के सिचुएशन में 50 करोड़ की ओपनिंग, अरे बाप रे, यश भाई ने तो सच में आग लगा दी रे। मतलब जो जो थिएटर बंद हो रहे थे वो पिक्चर की वजह से थिएटर्स चालू हो गए, तो इसको बोलते एंट्री, इसको बोलते मासी और इसको बोलते दम। लेकिन भाई साहब 100 दिन कंप्लीट होने के, मैं पर्सनली मेरी तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, सैंडलवुड को, मैं सैंडलवुड को ज़्यादा करूँगा, क्योंकि वही ऑडियंस ने हमको इतना प्यार दिया, ये शो को इतना प्यार दिया कि मैं सबसे बड़ा थैंक यू करूँगा कि प्यार करने के लिए। और डायरेक्टर प्रशांत नील, बस आप नील मत होना, आप सिर्फ प्रशांत रहो, मत आप है ना ऐसे स्क्रिप्ट लाओ कि दुनिया याद रखे, सिर्फ दुनिया याद रखे, क्योंकि अभी आपका प्रशांत नील का अभी जूनियर NTR के साथ काम आ रहा है, बस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बाद प्रभास के साथ आ रहा है सलार, खत्म। मतलब वो ऐसे फिल्म आ रहे हैं ना कि ऑडियंस थिएटर तक है ना कैसे पहुंचना है ना वो स्क्रिप्ट में दिखा जाएगा बस। और मैं तो बोलो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम लिख ही दो KGF के बारे में यार, 100 दिन कंप्लीट हो गए यार बस। और ये ऐसे रीजनल सिनेमा है ना, ऐसे ही बढ़ते रहो यार, सीरियसली बोलूंगा मैं तो, मजा आ गया मेरे को। भाई की तारीफ हुई है, कुछ कहना चाहते हमारे फर्स्ट ईयर मुंबई को? यस यस, जैसे अभी हम लोग देखते मार्वल्स में हुआ, हॉलीवुड में मल्टीवर्स, ये सब ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी है हमारे ग्रेटेस्ट डायरेक्टर प्रशांत नील सर के लिए कि उनका भी कुछ ऐसा वर्स्ट टाइप पिक्चर आएगा, और अपकमिंग पिक्चर्स उनकी भी बहुत है, जैसा अभी इन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, प्रभास की सलार, जूनियर NTR 30 का वो अपना कोरतला शिवा। और सबसे मेन बात इनकी एक रही है कि मतलब जिन्होंने भी BGM दिए इनके पिक्चर में, यस, रवि बसूर जी हैं, और हुकुम का इक्का तो एक ही अभी चल रहा है वो साइड में, अनिरुद्ध, कोरोतला शिवा का उन्होंने ही दिया है, और वो इतना पावर पैक लग रहा है कि पूछो मत। लेकिन एक वक्त था बॉलीवुड का भी, उसको भी हम भूल नहीं सकते, सबसे ज़्यादा क्रेज़ हमारे बॉलीवुड का था, हमारे बच्चन साहब थे उनके पहले भी, और कितने लेजेंड्स थे, यस। तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा कि 100 दिन कंप्लीट हुए, और सभी को थैंक्स भी बोलूँगा कि हमारे वीडियो को और हमको इतना लाइक करने के लिए धन्यवाद यार, बहुत बहुत थैंक यू।